स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट व्यंजन त व्यंजन एंड व्यंजन द व्हाट वी विल राइट टुडे वी विल लर्न द फॉर्मेशन ऑफ लेटर द एंड नाउ सी हियर व्हाट इज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग लेटर त व्हाट वी आर मेकिंग व्यंजन त देखिए इधर यहाँ से हमने स्टार्ट किया देन कम डाउन लाइक दिस एंड मेक स्टैंडिंग लाइन दिस इज़ कॉल्ड लेटर त क्या है ये त, त तरबूज त ताला फिर से देखिए यहाँ से शुरू किया हमने सेंटर से टर्न किया इसको ऐसे और स्टैंडिंग लाइन बना दी त ताला फिर से देखिए पुट हेयर डॉट देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देन कम डाउन एंड देन स्टार्ट हेयर त ताला फिर से देखिए स्टार्ट देन टर्न देन कम डाउन त ताला क्या है ये त तो ताला क्या है ये त तो ताला अब देखिए आगे क्या आएगा थ थर्मस क्या आएगा आगे थर्मस तो थ थर्मस के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा एक सर्कल बनाएंगे और इसको यहाँ तक टर्न करेंगे देखिए इधर पहले सर्कल बनाएंगे और थोड़ा सा टर्न करेंगे फिर देखिए ऐसे किया अब देखिए अब इसी को ही हमने ऊपर लेकर जाना है और इसको नीचे लाना है अब यहाँ पर लाइन नहीं आएगी शिरोखा सिर्फ यहाँ आएगी आपकी था फिर देखिए ये टर्न किया ऐसे ऊपर ले यहीं से ही घुमाया ऊपर ले गए और नीचे ले आए और ये लाइन यहाँ से यहाँ आएगी सिर्फ था फिर देखिए ऐसे मैम ने घुमाना बताया फिर इसको यहीं से ही ऊपर ले गए और नीचे ले आए और लाइन सिर्फ यहाँ आएगी शिरोलेखा थ अब देखिए टर्न किया घुमाया फिर ऊपर ले गए फिर नीचे ले आए और ये यहाँ से हमने स्लीपिंग लाइन दे दी थर्मस क्या है ये थर्मस अब देखिए आगे आज हम करेंगे द दवात भी करेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाई उसको हमने कर्व किया नीचे लाइन तक और यहाँ से इसकी द की पूंछ बना दी द दवात फिर देखिए सीधी लाइन बनाई फिर कर्व किया और फिर इसके नीचे से टेल बना दी पहले टमाटर के जैसे बनाना है और फिर नीचे लेकर जाना है सेंडिंग लाइन देन कर्व और फिर इसको नीचे लेकर जाना है और ऊपर शेरो रेखा लगानी है अब फिर से देखिए सेंडिंग लाइन देन कर्व और ये नीचे ले गए अब देखिए फिर से एक बार फिर से तीनों अक्षर बताऊंगी एक बार और देखिए तरबूज क्या है ये त तरबूज क्या है ये त तरबूज अब देखिए था टर्न किया ऊपर गए और नीचे लाए थर्मस था क्या है ये था फिर से देखिए स्टैंडिंग लाइन देन कर्व और नीचे ले गए द तो चिल्ड्रन यू विल डू दिस वर्क इन द नोटबुक वन पेज ओके बाय